चलो चलो नमस्कार बच्चों, पढ़े तुम्हारे द्वार वाला SCERT द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं वासंती देवांगन माध्यमिक शाला चटाक से हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक से कक्षा 8वीं से हम मनुष्य को खोज निकालो, कक्षा 8वीं के पाठ 15 मनुष्य को खोज निकालो पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को समझेंगे। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। कविता बच्चों, चलिए अब हम यह कविता पढ़ने से पहले हम इसके कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमाचल में हिमालय की गोद में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। सन 1900 में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। हाई स्कूल में प्रवेश के समय इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर दिया और सुमित्रा नंदन पंत लिख दिया, पंत कर लिया। जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तब पंत जी ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। उन्होंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में, यानी कि प्राइवेट ही, वह कॉलेज जाए बिना ही, अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। साहित्य की सेवा करते हुए उनका देहांत 1977 में हो गया। इन्होंने बहुत सारे पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया, उनमें से एक है रूपाभा। इन्हें बहुत सारे सम्मान से भी, भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे सम्मान दिए गए और बहुत सारे पुरस्कार मिले। 1961 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। कला और बूढ़ा चांद साहित्य में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। लोकायतन से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी कुछ मुख्य रचनाएं जो बहुत अधिक उनको प्रसिद्धि प्राप्त करी, वीणा, ग्रंथी, पल्लव, कुंजल, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण भूमि, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमम। तो बच्चों, ये अभी हमने श्री सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में कुछ बातें जानी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में प्रकृति के सौम्य वातावरण में हुआ था। उनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत अधिक वर्णन मिलता है, इसलिए श्री सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी कर दी हैं। मनुष्य मनुष्य बहुत अधिक भागों में, बहुत सारे वर्गों में बट गए हैं। इन विभिन्न वर्गों में बैठे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहे हैं। वे मनुष्य ऐसे हैं, ऐसे हो जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठे हों। बच्चों, अब हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। आप सभी भी अपने सामने अपनी पाठ पुस्तक खोल कर रखेंगे और पाठ 13 पेज नंबर 85 में दिया हुआ है, आप साथ साथ में इसका वाचन करेंगे। आज मनुष्य को खोज निकालो जाति वर्ण संस्कृति समाज से, मूल व्यक्ति को फिर से चालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुज को खोज निकालो। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुज जान अपना लो।
आज मनुज को खोज निकालो। राजा प्रजा धनी और निर्धन सभ्य संस्कृत सज्जन दुर्जन भव मानवता से सबको भर खंड मनुज को फिर से ढालो। आज मनुज को खोज निकालो। तो बच्चों अभी हमने इस कविता का सस्वर वाचन किया है। क्योंकि कविताओं में कवि के द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसका हमें सरल अर्थ में वर्णन करना और सरल अर्थ में समझना आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चों अब हम इनके पद्य का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू की तीन लाइनों को जो पहला वाला पद्य है उसको हम समझते हैं। आज मनुष्य को खोज निकालो जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। बच्चों यहाँ पर जो तीनों लाइनें दी गई तीनों पद्य दिए गए हैं उसमें कई कठिन शब्द हैं, हम उनके अर्थ जान लेते हैं। मनुज मनुष्य, वर्ण जाति या रंग, मूल व्यक्ति सच्चा व्यक्ति, चालो छान कर निकालो या गतिमान करो। कवि इस पद्य में कह रहे हैं कि हे मनुष्य अब तुम विभिन्न जाति वर्णों संस्कृति में बट चुके हो और समाज में अब हमें ऐसे बटे हुए समाज से ऐसे सच्चे व्यक्ति को ऐसे मूल व्यक्ति को निकालना है जो कि जाति और वर्ण से वो नहीं मानता हो, जो सबसे हटके हो, सबको समान देखता हो, ऐसे जो किसी में भेद नहीं करता हो ना किसी के वर्ण में ना किसी के जाति में, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की, ऐसे व्यक्ति को पूरे समाज में जो पूरे मिल चुके हैं, जो पूरे समाज में जाति वर्ण संस्कृति में बढ़ चुके हैं उनमें से ऐसे सच्चे व्यक्ति को ढूंढ कर निकालने की बात कह रहे हैं। अब अगले पद्य में हम देखते हैं देश राष्ट्र के विविध भेद हर धर्म नीतियों में समत्व भर रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यमनिका आज उठा लो। आज मनुष्य को खोज निकालो। यहाँ पर मैं पहले कुछ कठिन शब्दों को बता देती हूँ। समत्व इसका मतलब होता है समानता, रूढ़ी प्रचलित नियम या परंपरा, यमनिका पर्दा या नाटक का पर्दा कह सकते हैं इसमें। बच्चों आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये कविता की जो चारों पांचों लाइनें हैं उसमें आप देखेंगे धर्म नीतियों के बीच में एक आड़ी छोटी सी लाइन लगी हुई है, रूढ़ी रीतिगत के बीच में भी एक लाइन बनी हुई है और वैसे ही अंध यमनिका के बीच में भी एक लाइन बनी हुई है। बच्चों इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो समान शब्दों में, द्वित्व शब्दों में, सम शब्दों में या विलोम शब्दों में, और अक्सर आप आठवीं के बच्चे हैं तो आपने समास पढ़ा होगा तो द्वंद समास के शब्दों में यह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना? आप समझे होंगे ना योजक चिन्ह क्या होता है। तो चलो बच्चों इस पद्य में कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसे हम देखते हैं। इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि विभिन्न देश और राष्ट्रों के बीच धर्मों की दीवार को तोड़ने की बात कह रहे हैं। यानी हर पूरे विश्व में अलग अलग देश अलग अलग राष्ट्रों में सभी के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उनको उनके कारण सब में अलगाव पैदा हुआ है, तो सबके बीच में समत्व समानता लाने की बात कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य विभिन्न देशों राष्ट्रों के बीच वैचारिक मतभेद को दूर करने का समय आ गया है। विभिन्न धर्मों के बीच में हर धर्म वही नियम मानते हैं परंतु सभी धर्मों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं और उस विरोधाभास को दूर करके समानता का भाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए। देश में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और
प्रचलित मान्यताओं को दूर करने की बात कह रहे हैं। इन लोग इनके बीच में जो अंधविश्वास है, रूढ़िगत या प्रचलित मान्यताएं हैं, इनके बीच में जो अंधी दीवारें हैं उनको तोड़कर निकलने की बात कह रहे हैं। और कवि कहते हैं, इन सब से हटकर आप अब सच्चे मनुष्य को, मूल व्यक्ति को ढूंढने का समय आ गया है। इनसे जो कि रूढ़िवादिता को नहीं मानते, अंधविश्वासों को नहीं मानते, सभी धर्म को समान रूप से सम्मान देते हैं, ऐसे हमको मूल व्यक्ति, ऐसे सच्चे व्यक्ति को हमें ढूंढना है। अब आगे के पद्य देखते हैं बच्चों। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को, केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। इसमें हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भूषा वस्त्र, अखिल पूरी समग्र, मतलब कि पूरा समग्र सब चीज, अवनि पृथ्वी, रिक्त खाली। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि कह रहे हैं, हाँ कल्पी भाषा, हाँ बच्चों जो भाषा दो बार हो गया है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वहां पर वो भूषा शब्द आएगा। भूषा का मतलब होता है वस्त्र, पहनावा, परिधान, है ना। तो अब इसमें बच्चों कवि कह रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग परिधान पहनने वाले व्यक्ति रहते हैं, और अलग अलग श्रेणी और वर्ग के लोग भी रहते हैं। समाज अलग अलग श्रेणी और वर्गों में बटा हुआ है। पूरे पृथ्वी में ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो जाति वर्ग में ना बटा हो और जिनके संकुचित विचार ना हो। तो ऐसे मनुष्य को सिर्फ इनमें से ऐसे मनुष्य को जो सिर्फ मनुष्य को मनुष्य जाने और किसी प्रकार का श्रेणी या वर्ग या धर्म जाति में ना बांटे, अर्थात जो किसी से नफरत ना करे, सबको समान रूप से देखे और किसी से ना नफरत करे और उसमें प्रेम की भावना हो, ऐसे मनुष्य को हमें ढूंढना है। ऐसा मनुष्य जो है वह सच्चा मनुष्य है, ऐसे सच्चे मनुष्य को जो कि इन सब से ऊपर हो, जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हो, सभी को समान रूप से देखता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें खोज निकालना है। अब अगले पद्य को देखते हैं। राजा प्रजा धनी निर्धन, सभ्य संस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से डालो, आज मनुज को खोज निकालो। बच्चों यहाँ पर कवि ने मानवता की बात कही है। अब हम पहले इसके अर्थ देख लेते हैं। जैसे असंस्कृत, आगे इसका मतलब है असभ्य, दुर्जन बुरा व्यक्ति, भव संसार, खंड टुकड़ा, धालो एक रूपाकार करो। बच्चों शब्दार्थ में असंस्कृत के बाजू में आप देखेंगे तो शब्द है लिखा है, वह है असभ्य, असभ्य आएगा वहां पर, आप लोग उसको असभ्य पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर एक और शब्द लिखा हुआ है मानवता। आप लोगों ने प्रत्यय और उपसर्ग भी पढ़ा होगा, तो प्रत्यय और उपसर्ग में यहाँ पर मानवता में मानव में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप प्रत्यय में जो ऐसे मूल शब्द के साथ कुछ शब्दांश लगे होते हैं जिससे कि पूरे शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आप मानवता शब्द देखेंगे तो मानव में ता प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों के बीच में, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विभिन्न वर्गों में मनुष्य बटा हुआ है, तो मनुष्यों के बीच में मानवता की भाव जगाकर उन्हें एक करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर
राजा प्रजा धनी निर्धन सब असंस्कृत सज्जन दुर्जन, मतलब कि अमीर गरीब और सभ्य पढ़ा लिखा, असभ्य अनपढ़, और सज्जन अच्छा व्यक्ति, दुर्जन बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। इन सबको पूरे ये पूरा जो हमारा समाज है इन विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। तो इन वर्गों के बीच में, मनुष्यों के बीच में हमें मानवता की भावना जगाना है और उन्हें एक कर देना है, अर्थात कोई किसी से भेदभाव नहीं करे, सभी आपस में हिलमिल कर रहे। और अब ऐसा समय आ गया है कि सच्चे मनुष्य को पहचान कर हमें एक सच्चे मनुष्य को पहचान कर हमें ढूंढना है, उन्हें एक रूप में लाकर, एक रूप के रूप में, एक मूल व्यक्ति के रूप में हमें खोज कर लाना है। तो कवि यहाँ पे सब में मानवता की भावना को विकसित करके एक सच्चे व्यक्ति को खोज निकालने की बात कह रहे हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने यह पाठ अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। स्पीकर ऑन नहीं करेंगे सबका? अब बच्चों हम यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, शायद आपको पाठ समझने से यह आसानी से समझ भी आ गया होगा। पहला है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने की बात कही है। मूल व्यक्तियों को कवि ने विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों में बटे हुए मनुष्यों के बीच में से खोज निकालने की बात कही है। आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का भेदभाव भेद उत्पन्न हो गए हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किस प्रकार के भेद उत्पन्न हो गए हैं। आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, धर्म, वर्ग, भेद, भाषा, भूषा और श्रेणी से संबंधित भेद उत्पन्न हो गए हैं। मूल व्यक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो वर्ण, जाति, संस्कृति, समाज को भूलकर प्रेम की भाषा बोलता हो, वह अमीर गरीब, सभ्य असभ्य, सज्जन दुर्जन या किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति मूल व्यक्ति हो, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। कवि किस अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है? हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास, प्रचलित रूढ़िवादिता और बहुत से ऐसे मान्यताएं हैं जो कि समाज में आज भी व्याप्त हैं। आज भी हमारा समाज पढ़ा लिखा बहुत अधिक शिक्षित हो चुका है, परंतु सभी समाज में कुछ रूढ़िवादिता, कुछ मान्यताएं चलती हैं। इन्हीं को ऐसे ही चीजों को अंधयवनिका से उठाने की, यानी इस तरह के अंध पर्दे जो हैं, पर्दा जो पड़ा हुआ है रूढ़िवादिता का, अंधविश्वासों का, उसको उठाने की बात कहे हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है? वर्गों में बटा हुआ मनुष्य जब सभी को जातिगत, धर्मगत और वर्णगत भेदभाव को भूलकर सबको समान समझे, तब वर्गों में बटा हुआ मनुष्य पूर्ण मनुष्य कहलाएगा। तो बच्चों ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आप सभी लोगों को समझ आया? बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द को देखते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए और साथ साथ में बोलिए, या अगर आपको आता है तो आप पहले भी बोल सकते हैं। जैसे विलोम शब्द क्या होता है? उसका विरोधी होता है। अगर मान लो कोई अच्छा है तो अच्छा का विरोधी क्या होगा? बुरा, है ना। ऊपर है तो ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे, है ना। दो दो शब्द जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जिसको विरोधी बोलते हैं, विलोम भी कहते हैं, है ना। तो आप पहला शब्द देखिए,
मनुज, मनुज मतलब मनुष्य, मनुष्य का विपरीत क्या होगा? दानव। आप लोग भी साथ साथ में बोल सकते हैं, विविध एक, रीति कुरीति, अवनि जल, सभ्य असभ्य, रिक्त भरा, अपनाना छोड़ना, खंड अखंड, असंस्कृत संस्कृत, वर्ण सादा, विश्वास अविश्वास, राजा प्रजा, धनी निर्धन। तो देखे देखे ना अभी आप लोग बहुत सारे शब्दों को जिनके हम विलोम अर्थ जाने, और ये पूरी कविता से ही लिए गए शब्द हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं भाषा से संबंधित। यहाँ पर दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दार्थ जब होता है तो हम सिर्फ एक अर्थ लिखते हैं, जब समानार्थी बोलते हैं या पर्यायवाची कहते हैं तब हम उस शब्द का दो दो अर्थ लिखते हैं, क्योंकि हम एक शब्द को कई नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भव, भव का अर्थ होता है संसार जग। बच्चों आप लोग भी साथ में कह सकते हैं, साथ में बोलिए आप लोग भी, राजा नृप नरेश, धनी धनिक धनवान, निर्धन गरीब विपन्न, मानव मनुष्य मानुष, अवनि पृथ्वी भूमि, खोजना ढूंढना अन्वेषण, अखिल बोलिए आप लोग, संपूर्ण समग्र, हाँ संपूर्ण समग्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर कोई समान उच्चारित, समानोच्चारित कहते हैं, जैसे कि हम बोलते सेम है परंतु दोनों का मतलब अलग अलग होता है, तो हम ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे जो कहने पर सेम लगेगा परंतु समान रहता है, उच्चारण में समान होता है परंतु जब हम उसका वाक्य बनाएंगे वाक्य में प्रयोग करेंगे उन शब्दों का, तो हमें उनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे राज और राजा है ना, तो राज में जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, यहाँ पे मैंने किया है, राम राज में सभी बहुत सुखी थे, और राजा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। फिर दूसरा वाला शब्द है अंध अंधा, अंधविश्वास समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। अंधा अंधा व्यक्ति ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाई कर सकता है। भव भाव, इस भव सागर में ईमानदारी से जीना बहुत मुश्किल है। भाव, सोने का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जन और जान, जन महात्मा गांधी जन जन में प्रिय थे। जान, शिक्षक के बताए जाने पर बच्चे अलंकार अच्छी तरह से जान गए। यहाँ पर स्पष्ट हुआ ना बच्चों आप लोगों को, जैसे कि राज राज का वाक्य बनाए तो हमें समझ आएगी कि राज का मतलब क्या होता है और राजा का मतलब क्या होता है। अंध और अंधा बोलने से उच्चारण करने से सेम लग रहा है, समान लग रहा है, परंतु जब हम उसको देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने जैसे कविता का पाठ करते समय आप लोगों को मानव में ता शब्द जोड़ने से मानवता बनता है, यहाँ पर ता प्रत्यय था बताया हुआ था, अब यहाँ पर हम ज प्रत्यय लगाकर, जैसे कि पाठ में मनुज शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है तो मनु में ज प्रत्यय लगा हुआ है, तो मनुज मतलब कि
मनुष्य से जन्मा, यहाँ पे ज शब्द का अर्थ हुआ मनुष्य से जन्मा। तो ऐसे ही हम ज प्रत्यय लगा के कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे जलज जल में जन्मा, पंकज पंक में जन्मा, नीरज नीर में जन्मा। यहाँ जल में जन्मा, जल में जन्मा मतलब कि हम कमल फूल को कह सकते हैं। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में कौन खिलता है, कमल का फूल। वैसे ही नीरज, नीर का अर्थ होता है जल या पानी, और नीर में जन्मा वह भी क्या होगा, कमल का फूल। तो जलज पंकज नीरज इन सब का अर्थ होता है कमल। और अगर हम कमल का पर्यायवाची जाने तो ये तीनों नाम भी कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज पंकज और नीरज। और यहाँ पर हम एक और शब्द और चीज सीख गए कि ज जो है वह प्रत्यय है, जल में ज प्रत्यय लगा है, पंक में ज प्रत्यय लगा है, और नीर में भी, नीर में भी ज प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यह पूरी कविता हमने अभी पढ़ी और हमने पूरे कविता का सार भी जाना, प्रश्न उत्तर अभ्यास के प्रश्न और व्याकरण संबंधी भाषा संबंधी प्रश्नों को भी देखा। अब इस प्रश्न से संबंधित योग्यता विस्तार के कोई कुछ प्रश्न है, इसका आप लोग उत्तर देंगे। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है उचित संबंध जोड़िए। पहला प्रश्न है, आप लोग देखिए दो भागों में बटा हुआ है, एक दाहिने तरफ है और एक बाई तरफ है। तो दोनों तरफ आप देखिए मनुज, मनुज के बाजू में समता, उदार, उदार के बाजू में घमंड, अहंकार, अहंकार के बाजू में मानवता, और समत्व के बाजू में विनम्र लिखा हुआ है। तो आप लोग अब इसमें इसका उचित संबंध जोड़िए, जोड़ेंगे जैसे मनुज के, मनुज से क्या बनेगा आप लोगों को मालूम है, कोई जवाब दे सकता है, मानवता। हाँ गुड, वेरी गुड। उदार, उदार का बताइए, उदार का मैं बता देती हूँ विनम्र। अहंकार का क्या होगा, घमंड, घमंड, गुड गुड। समत्व, समता, समता, वेरी गुड। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी काव्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि, धरती के सुकुमार कवि, श्रृंगार के सुकुमार कवि, या वीरता के सुकुमार कवि। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं क ख ग घ, इसमें से आप ये बताइए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी काव्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता है। मैं बता देती हूँ बच्चों, इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म हिमालय की गोद में प्रकृति के बीच में हुआ था, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकृति का वातावरण या वर्णन बहुत अच्छी तरह से, बहुत अधिक दिखाई देता है। असंस्कृत शब्द से मानव पटल पर क्या छवि बनती है, सभ्यता, असभ्यता, मानवता, अमानवता। असंस्कृत, असंस्कृत मतलब क्या होता है उसका समझ जाओ, पर्यायवाची ही है, या उस, अगर हम असंस्कृत शब्द कहते हैं तो हमारे मन में क्या, कौन सी छवि बनती है, आप लोग बताएंगे कोई, असभ्यता। हाँ वेरी गुड, असभ्यता, गुड। मनुज को खोल निकालो कविता का भाव है, इसमें भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मानवता का, दूसरा धर्म का, तीसरा जाति का, चौथा प्रकृति प्रेम का। जो हमने कविता पढ़ी ना मनुज को खोज निकालो, यह इसमें कौन सा भाव दिखाई देता है, आप लोग कोई भी बताइए, मानवता का।
क्योंकि मनुज को खोज निकालो में कवि ने प्रकृति से मानवता मानवता को जोड़ा हुआ है। यवनिका से क्या आशय है, प्रश्न पांचवा है, यवनिका से क्या आशय है। नव यवना यवनों की पत्नी, रंगमंच का पर्दा, रंगमंच की खिड़की। कविता में यवनिका शब्द आया है और उसका मैंने आपको अर्थ भी बताया था, आप बताइए। रंगमंच का पर्दा। जी जी गुड, वेरी गुड। ये छठवां प्रश्न है, मनुष्य को खोज निकालो के कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, लखन लाल गुप्ता। चारों कवि में से कौन से कवि हैं जिन्होंने मनुष्य को खोज निकालो को लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। जी वेरी गुड वेरी गुड। अब हम अगले गृह कार्य में जाते हैं। बच्चों आप लोगों ने शब्दकोश देखा होगा, जिसको इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं और हिंदी में शब्दकोश। तो आप लोगों ने ये जाना होगा कि कोई भी शब्द को हमें देखना है तो हम किस तरह से देखते हैं। एक तो हम अपना पूरा 12 खड़ी के हिसाब से देखते हैं और उसके अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं ना। तो आप इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं तो आप लोग वर्णमाला में वर्णमाला और 12 खड़ी के आधार पर इस प्रश्न को देखेंगे और उसको एक के बाद एक जमा जमा कर लिखेंगे। समत्व भूषा भव असंस्कृत विविध विश्वास अंध वर्ण अवनी अखिल। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं ना किस तरह से आएगा, कि सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो अखिल शब्द आएगा क्योंकि क ख ग से हमारा वर्णमाला शुरू होता है ना और अ से शुरू होता है, तो आप सर्वप्रथम क्या आएगा, अखिल। तो इसी तरह से आप लोग शब्दकोश के हिसाब से के अनुसार उसके क्रम के अनुसार इस शब्दों को जमा कर रखेंगे और अपने कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक या अपने बड़े माता बड़े बड़े को घर में जो भी बड़े भाई बहन है उनको यह दिखाएंगे। और इसके बाद कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया था, क्योंकि उनका जन्म हिमालय की गोद में हुआ था और वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और प्रकृति के बीच उनका जन्म पूरा बचपन बीता था, इसलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो पंत जी की बहुत सारी कविताएं हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं। आप अपने अपने YouTube से या ऑनलाइन कहीं से भी देखकर या कोई पुस्तक से देखकर या आपको कहीं भी लेख मिल जाए, इससे आप एक प्रकृति से संबंधित कोई एक रचना लिखेंगे, खोजेंगे और उसको लिखेंगे और उसको भी आप अपने बड़ों को या कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक को चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आया ये पाठ पूरा? यस मैम। तो ठीक है बच्चों, यहीं पर मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। अब अगले पाठ में आप लोगों को मिलूंगी। धन्यवाद।